हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको SSP, MIS, MBPY यानी कि बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने वेबसाइट www.trendyreporter.in पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों, यह है मेरी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आकर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप डायरेक्टली मेरे इस आर्टिकल पर पहुंच सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह है बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। इसको शॉर्ट में SSP MIS यानी कि MBPY योजना भी कहा जाता है। SSP MIS किसे कहा जाता है? तो SSP MIS योजना पोर्टल बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत वृद्ध नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अनुसार 60 से 79 वर्ष के वृद्धजन पुरुष और महिलाओं को 400 रुपये की धनराशि हर महीने बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को 500 रुपये की धनराशि हर महीने दी जाएगी। आइए हम जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के सभी वृद्ध नागरिक सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने। इस योजना के लाभ के बारे में आप मेरे इस वेबसाइट पर आकर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल अब हम जान लेते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहले वह आवेदक जो है स्थायी निवासी होना चाहिए बिहार का, और वह व्यक्ति 60 साल से या फिर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए वह लाभार्थी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी ना हो। इस MBPY योजना ने की बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ कोई सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता है। तो इसलिए अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप इसमें अप्लाई ना करें। इसके बाद इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। आइए हम जानते हैं कि इस योजना में दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है इस योजना में अप्लाई करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि इस योजना में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट SSPMIS.in पर विजिट करना होगा। मैंने इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली इस पर विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये इमेज दे दिया है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसमें आपको रजिस्टर फॉर MBPY वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म नजर आएगा, इस फॉर्म में आपको अपना जानकारी इसमें भर देना है। इसमें जानकारी भरने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक नया फॉर्म ओपन होगा जो बिहार वृद्धा पेंशन योजना फॉर्म के नाम से जाना जाता है, इस फॉर्म को आपको भर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑनलाइन मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना आवेदन जमा हो जाएगा। अब आपने इसमें अप्लाई कर दिया है तो आप इसकी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो अभी उस पर क्या काम चल रहा है, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी आप इस स्टेप में ले सकते हैं। यदि आप अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SSPMIS.in पर विजिट करना होगा। ठीक इसी तरह से आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप इसके होम पेज पर विजिट कर सकते हैं। होम पेज का ये इमेज यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इस वेबसाइट पर आपको एक बेनिफिशियरी स्टेटस ये ब्लू कलर में दिख रहा है अबाउट अस के बगल में,
मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अबाउट अस के बाद में ये बेनिफिशियरी स्टेटस है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी भरकर इस पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका स्टेटस यहाँ पे नजर आ जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि भुगतान की जानकारी कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbmis.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। जैसे आप विजिट करेंगे, आपको आपके फ्लैश न्यूज लाभार्थी में आपको भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको जिले तथा ब्लॉक को चुन लेना है, सर्च कैटेगरी को चुन लेना है, देन उसके बाद आपको बेनिफिशियरी आईडी या फिर अकाउंट नंबर भर देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने संबंधित जानकारी दिख जाएगी। अब हम जानते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने की क्या प्रक्रिया है। तो इस योजना में आप देखने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना प्रोग्रेस रिपोर्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का आपको इमेज जैसा मैंने यहाँ लगा रखा है, ऐसा ही आपको दिखेगा। इस सूची में आपको अपने जिले का, जो आपका जिला है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका पूरा आपका ब्लॉक वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कि SSPMIS में लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें लॉगिन होने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, देन उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए उसका इमेज है। इसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था SSPMIS के बारे में कुछ डिटेल। यहाँ पर आकर आप पूरी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और इसके अलावा और भी कई जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। जो सरकार अभी योजनाएं चला रही है, आप उसको डिटेल में यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके अलावा मेरी वेबसाइट जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।